हाय एवरीवन, मधुलिका किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ओट्स के अप्पम। देखिए कैसे बनाती हूँ। ये हमने एक बाउल भर के पूरा ओट्स लिया है, इसको हम एक बाउल में डाल देंगे और जितना हमने मतलब ओट्स लिए हैं उसका हाफ क्वांटिटी में हमको रवा लेना है। तो हमने उसके हाफ क्वांटिटी में रवा लिया हुआ है। दोनों को हम मिक्स कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा छाछ डालेंगे, या आप चाहो तो इसमें दही भी डाल सकते हो। आधा कप करीब हमने खट्टी छाछ डाली है, और आप चाहें तो दही में पानी डाल के उसे पतला करके थोड़ा छाछ बनाकर भी डाल सकते हैं, और नहीं तो खाली दही भी डाल सकते हैं इसमें आप। इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, ये पानी हम इसी में डाल देंगे बाउल में। मतलब पानी अपने अंदाज से डालना है कि अच्छे से इसमें भीग जाए, उस हिसाब से हमें पानी डालना है। इस तरीके से इसमें हम पानी डाल के इसको कम से कम 15 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे, जिससे कि हमारा रवा है अच्छे से फूल जाए और जो ओट्स है वो भी अच्छे से फूल जाए इसमें। अभी चेक करते हैं, ओट हमारे अच्छे से फूल गए हैं, ओट एंड रवा अच्छे से फूल गया है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी से सब्जियां, वेजिटेबल्स। इससे सबसे पहले हम डालेंगे कैप्सिकम। एक कैप्सिकम है, इसको हमने चॉपर से चॉप कर लिया है। कैप्सिकम, गाजर, हरी मिर्च, ऑनियन, आप चाहें तो इसमें और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद है। जैसे कॉलीफ्लावर है, बीन्स है, और ये कॉर्न है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और साथ में डालेंगे हम थोड़ा सा सॉल्ट, ये अपने टेस्ट के अनुसार हमको डालना है। लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, लिटिल हल्दी, हरा धनिया, इन सबको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब वेजिटेबल्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अभी इसमें हम थोड़ा तड़का लगाएंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, पर तड़का लगाने से क्या इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तड़का लगाने के लिए हम फ्राई पैन लेंगे, गैस को ऑन किया, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, हाफ स्पून करीब ऑयल डालेंगे। इसमें हम डालेंगे लिटिल उड़द दाल, अगर आपके उड़द दाल नहीं है तो आप चना दाल भी डाल सकते हैं, और राई, इसका हम इसे तड़का लगाएंगे। तो इसमें अभी हम थोड़े से डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स, इसको हमने जो खीरा बनाया है इसमें डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए, तो स्किप भी कर सकते हैं, पर इसको डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने
करने के बाद अभी हम थोड़ा सा हाफ स्पून से भी कम इनो लेंगे। इनो को इसमें डालेंगे, उसको एक्टिव करने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। जब तक हम एक साइड में अपना अप्पम स्टैंड रख देंगे गरम करने के लिए, इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जब अप्पम स्टैंड है इसे हम थोड़ा सा इसको ग्रीस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा, इसको हमें ज्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है और पतला भी नहीं करना है। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सा डाल के, इसमें हम पनीर है, एक एक पनीर के क्यूब हमने छोटे छोटे काट के रखे हुए हैं, पनीर क्यूब डाल देंगे हम अच्छे से इसके ऊपर। फिर हम इसको फिल अप कर देंगे थोड़ा सा। ये थोड़ा सा डाला, इसमें हम डालेंगे पनीर क्यूब, फिर ऊपर से फिल अप कर देंगे इसको पनीर क्यूब डालने के बाद। इसको हम कवर कर देंगे 5 मिनट तक। अभी चेक करते हैं हम, वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अभी इसमें थोड़ा सा ऑयल हम इसके ऊपर डाल देंगे परतने से पहले, हल्का सा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा डालना है जिससे कि ये चिपके नहीं। हल्का सा इसमें बूंद बूंद करके 1 ड्रॉप करीब हमें ऑयल डालना है। अब इसको हम पलट देंगे। धीरे से ऐसे हम इसको टर्न करेंगे। इस तरीके से हम सारे टर्न कर देंगे। देखिए कितने फूल गए हैं ना। पलट के अब से दूसरी तरफ भी हम सिकने लेंगे।
वाओ कितने अच्छे बन गए हमारे ओट के अप्पम। अभी इसको हम प्लेट में डायरेक्ट हम प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरीके से गैस को बंद किया है। इसी तरीके से आप सारे बना सकते हैं अप्पम। ये रेडी हो गए हमारे ओट अप्पम। ये खाने बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। इसे आप ग्रीन चटनी या कोकोनट चटनी के साथ भी खा सकते हैं। खाने बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।